हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे मैंने बिना चीनी के बनाया है। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि इसे मैंने बिना शुगर के बनाया है। तो आप सभी इसे ट्राई कर सकते हो। सभी का मतलब है कि जो लोग शुगर वगैरह से परहेज करते हैं ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि बादाम, काजू और पिस्ता। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी कटोरी में ले लिया है खजूर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक बार इस तरीके से आप मिठाई ट्राई करिएगा। मार्केट से मिठाई लाना भूल जाओगे, इसी तरीके से बनाना पसंद करोगे। तो यहाँ पे हम सारे ड्राई फ्रूट्स को कट कर लेंगे। तो सारे ही ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है, और जो खजूर है ना, उनका बीज मैंने बाहर कर दिया है। तो बस सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, चलिए नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन लिया है। फ्राई पैन में हम कटे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। खजूर को हम अलग मतलब रखेंगे, अभी हमें खजूर को नहीं डालना है। यहाँ पे जो बादाम, काजू और पिस्ता लिया था ना, उसे डाल दिया है पैन में और ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लगभग मतलब 4 से 5 चम्मच के करीब हम यहाँ पे डाल रहे हैं वाटरमेलन सीड्स। तो यहाँ पे आप सीड्स और भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, जो भी पसंद करें आप डाल सकते हो। अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है, नहीं लाइक करते हो, तो आप उसे मतलब स्किप कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें ही आप ऐड करके बनाएं। तो यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, 2 से 3 मिनट मैंने उन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया है। उन्हें मैंने एक प्लेट में बाहर कर लिया है। यहाँ पे हमने लगभग 2 चम्मच के करीब खसखस ले ली है, जिसे हम पॉपी सीड्स बोलते हैं। उसे हम ना बस गरम पैन में ही मतलब भूनेंगे, गैस को ऑन नहीं करेंगे। अभी पैन गरम था, तभी मैंने इसे डाल करके भून लिया है। तो अब बारी आती है खजूर की। तो खजूर को हम ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र करेंगे और अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। मतलब अच्छे से क्या, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करेंगे, थोड़ा दरदरा सा रखेंगे। ग्राइंड कर लिया है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच घी डाल देते हैं। घी को मेल्ट होने देंगे, और जैसे ही घी मेल्ट होगा, जो हमने ग्राइंड करके खजूर रखा था ना, उसे ट्रांसफ़र करेंगे कढ़ाई में। और इसी घी के साथ हम खजूर को 2 मिनट के लिए भून लेंगे, अच्छे से घी के साथ मिक्स करते हुए। हमें खजूर को भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे पकाना है, नहीं तो जलने लग जाएगा। तो हमारा जो खजूर है ना, 2 मिनट अच्छे से मतलब घी के साथ भून चुका है। अब यहाँ पे हम रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं, और अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स को खजूर के साथ मिक्स कर लेते हैं। बहुत देर तक हमें इसे पकाना नहीं है, अच्छे से मिक्स करना है। और बस अच्छे से ठंडा हो जाए, इसके लिए मैं एक प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और लगभग 2 से 3 मिनट रुकेंगे, जिससे कि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा ये गर्म है। तो मैं इसे स्पैचले से थोड़ा सा फुला देती हूँ, जिससे कि ये जो मिक्सचर है ना, फटाफट से ठंडा हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक बोर्ड ले लिया है। बोर्ड में ही हम इस मिठाई को अच्छे से सेट करेंगे, मतलब कि इसका शेप तैयार करेंगे। तो जो सारा मिक्सचर है ना, उसके मैं 2 रोल तैयार कर रही हूँ। इसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्से को मैंने ले लिया है, इस तरीके से सिलेंडर शेप में हम इसे तैयार करेंगे। बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहिए, हल्के हाथों से हमें इसका शेप तैयार करना है। तो 2 रोल मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हमने जो मतलब रोस्ट करके खसखस रखी थी ना, तो उसे हम इस तरीके से कोट करेंगे, इसी मतलब रोल में कोट कर देते हैं, जिससे कि देखने में भी अच्छी लगेगी और खसखस हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। तो आप इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कर सकते हो। अगर पसंद हो तो ही आप इसे लगाइएगा, नहीं आप इसे स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों ही रोल को अच्छे से कोट कर लिया है, तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप मिठाई बनाओगे ना, तो मार्केट में और घर में कोई फ़र्क नज़र आएगा ही नहीं। आप किसी को भी खिलाओगे, कोई जान भी नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है फॉइल पेपर। आप बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 2 टुकड़े ले लिए हैं फॉइल पेपर के, और दोनों ही रोल को हम इस तरीके से फॉइल पेपर से कवर कर देते हैं। तो दोनों ही रोल को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है, और अब इसे हम
फ्रीजर में रखेंगे लगभग आधा घंटे के लिए, जिससे कि ये जो हमारे रोल है ना मिठाई के, वो अच्छे से सेट हो जाएं। और आधे घंटे के बाद मैंने इसे वापस से बाहर कर लिया है, बहुत अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो अब हम इनके पीसेस कट करेंगे। तो एक एक करके हम दोनों ही रोल को फॉइल पेपर से अलग कर लेते हैं, मतलब बाहर कर लेते हैं, और पीसेस कट करना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट रोल हमारे सेट हुए हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है ना फ्रेंड्स कि इसमें मैंने शुगर नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। ड्राई फ्रूट्स की ये मिठाई है जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो जिन लोगों को शुगर वगैरह से परहेज है, कहने का मतलब है कि जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और मीठा खाना भी पसंद है, तो आप इस मिठाई को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सारे ही जो हमारे रोल हैं उनके मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, सारे ही पीसेस बहुत ही परफेक्ट कट हुए हैं। तो फ्रेंड्स सारे ही पीसेस को मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट हमारी ये मिठाई बन करके तैयार हो चुकी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स आप भी इस मिठाई को ज़रूर से ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।